ऐसे घूर क्या रही हो? कभी 100 दिनारी देखी नहीं तुमने? 100 दिनारी तो देखी है, लेकिन आज से पहले इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा हमने। 100 दिनार एक बीमार, बेईमानी एक बीमारी की तरह होती है। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन ये दिनारी तो मैं ही रखूंगा। लेकिन ये आपके हक की नहीं है, आप फिर भी रखेंगे? तुम्हारी ये बात ना मेरे दिल को छू गई। एक काम करते हैं, जिसके हक की दिनारियां है ना उसको देने के लिए जाते हैं। चलिए। अच्छा ठीक है, दिनारियां हम दोनों ने देखी थी तो दोनों रख लेते हैं, आधी आधी। बिल्कुल नहीं, हम चोरी की हुई दिनारी कभी नहीं लेंगे। ये दिनारी पहले आपको मिली तो इसे आप ही रखिए, जो अगर हमें मिली होती तो हम गरीबों में बांटते। किस खानदान की हो? बड़े खानदान की होंगी, इसलिए इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। अच्छा तुम्हें ये बांटना है ना गरीबों में, ठीक है। मैं कौन हूं? गरीब। तुम्हें बांटना था ना, समझो तुमने बांट दिया और मैंने रख लिया। क्या है कि इतनी दरिया दिली से शाही लोग दिखा सकते हैं, मुझ जैसा माहौल ही नहीं। बात अमीर या शाही होने की नहीं, बात नेक दिली की है। अगर हमारे पास 2 दिनारी भी होती ना, तो उसमें से 1 दिनारी हम किसी और को देने की नियत रखते। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरी आवाम के बारे में सोचते। आवाम, इन्हें कहीं शक ना हो जाए कि हम शहजादी हैं। के बारे में सोचने का मौका मुझे मिलता नहीं, मैं तो बस ये सोचता हूँ कि मेरे बच्चे रात को भूखे पेट ना सोएं, ठंड में उनके पास गर्म कपड़े हों, जो वो पढ़ना चाहें वो किताबें मैं उन्हें लाके दे सकूं। जो बातें तुम कर रही हो वो सुनने के लिए और कहने के लिए अच्छी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बहरहाल अगर तुम इतनी ही नेक दिल हो तो एक काम करते हैं, ये दिनारियां मैं रख लेता हूं, आप तुम ये घोड़ा रख सकती हो। नहीं, जब हमें घोड़ा दौड़ाना आता ही नहीं हम इसका करेंगे क्या? इसे भी आप ही रख लीजिए। या खुदा, इसे कम अकल और नेक लोगों से रोज मिलवाया कर। ठीक है, अब अगर तुम इतना ही जिद कर रही हो तो ये दिनारी भी मैं रख लेता हूं और ये घोड़ा भी मैं रख लेता हूं, बस खुश चले। बिल्कुल नहीं, अब हम अकेले ही जाएंगे। ना घोड़ा ना दिनारी, कहां तक जाएगी आपकी सवारी? हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, पीछा मत करिए हमारा। मुकद्दर से दूर मत जा ली, तू मुश्किलों से बच नहीं रहा, मुश्किलों की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया बदलने वालों को खुद बदलना पड़ता है, लोहे को औजार बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। यह आग तेरा इंतजार कर रही है अली, तैयार रह। तुझे तो इल्म भी नहीं है इस बात का तेरे साथ क्या गुजरने वाला है। सही कह रहे थे वो, हरियाली तो सिर्फ 2 मील तक ही थी, कहाँ जाए हम?
अबू शहजादी दाईजा 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 छलावा है सिर्फ 250 250 दिनार का दाम रखा उन्होंने हम पांचों का यानी 50 दिनार में एक यतीम बहा देंगे हम सबको नदी में नहीं नदी बहुत ठंडी होगी मुझे नहीं डूबना नदी में नदी के तापमान से डूबने का क्या ताल्लुक अगर नदी गर्म होती तो क्या डूब जाते हम तो वो हैं जो बिना बाबा की रिश्वत के हमाम में नहाने भी नहीं जाते हमें नदी में गिराना इंसानियत के खिलाफ है कभी तुम लोग तापमान को कोस रहे हो तो कभी इंसानियत का हवाला दे रहे हो अरे सांस लेने के बारे में भी सोचा है किसी ने डूब जाएंगे हम चुप करो तुम सब नफी अगर तेरी ये बात सच है ना हमें फौरन कासिम भाईजान से बात करनी होगी क्या बात करनी होगी क्यों हमें सर के बाल डुबाया पैर के अरे जुरावर ने 250 दिनार दे रहे हम सबको यहाँ से बाहर निकालने के लिए कासिम भाई जाने किसी की भी नहीं सुनेंगे और वैसे भी उनको लगता है हम उनके सर पे बोझ हैं अगर हम खुसरो भाईजान से मदद मांगे तो खुसरो भाईजान खुद ही बाबा को ढूंढने गए हैं मैं एक बार कासिम भाईजान से बात करती हूँ वो मेरी बात नहीं सुनेंगे कोई नहीं सुनेगा हमारी बात क्या फायदा बोलते रहने का जब कोई सुनेगा ही नहीं तो इसलिए अब बहुत हुआ अब नहीं सही जाती और बेइज्जती इससे पहले कि कोई हमें इस घर से बाहर निकाल दे मैं कहता हूँ हम खुद ये घर छोड़ के चले जाएंगे दिमाग हिल गया है तेरा कहाँ जाएंगे हम वही जहाँ बच्चों को जाना चाहिए अपने बड़े को ढूंढने अपने बाबा को ढूंढने तुझे पता है ना अगर बाबा ने ये सुना तो वो क्या कहेंगे यही कहेंगे कि तुम्हारी ये बात मेरे दिल को छू गई हम जब भी मुश्किल में पड़े हैं बाबा हमें बचाने आए हैं आज हम भी मुश्किल में और बाबा भी इसका मतलब हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है इसलिए हम जाएंगे पक्का अकेले हाँ अकेले ये बियाबान है कि भूल भुलैया खत्म ही नहीं हो रहा सारा सामान लेकर हमें आज यहाँ से रवाना होना है समझे भाईजान इस कारवां के सरदार आप हैं बेशक भाई माशाल्लाह लग भी रहा है रौब देखिए आपका इस नाचीज को अली बाबा कहते हैं एक दरखास्त है आपसे क्या हम आपके कारवां में आज की रात गुजार सकते हैं क्या है कि मुझे और मेरे घोड़े को आराम की बहुत जरूरत है अगर आप आराम करने देंगे तो आपको दुआएं लगेंगी मेरी लगे ना लगे इस बेजुमा की जरूर लगेंगी वल्लाह इसमें क्या हर्ज है बिरादर आपका खैर मकदम है तशरीफ रखिए शुक्रिया शुक्रिया काम हो गया आजा आजा साहिबजादे आपकी तारीफ जिसके कारनामों के चर्चे मशहूर है हर गली उस साहिब जान को प्यार से बुलाते हैं अली 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 वाह 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 ये यहाँ पर जरूर हमारा पीछा करते हुए पहुंचे होंगे निहायती बेशर्म है इतनी अकड़
मुझे ना पहचानने का गंदा नाटक, मुझे गली गली की ठोकर खाने वाली में शहजादियों वाली अकड़ लाना था। मुझे भी कोई गरज नहीं है इसे पहचानने की, अभी इसी वक्त जहन से मिटा दी मैंने इसकी शक्ल। नहीं नफी, हम अकेले बाहर नहीं जाएंगे। याद है ना खुसरो भाईजान ने क्या कहा था, परवास की गलियां खतरों से खाली नहीं है। अगर हम लोग बाहर गए और हमें से किसी को कुछ हो गया तो बाबा हमें कभी माफ नहीं करेंगे। अलीफी सही कह रही है नफी, हमने किताबों में पढ़ा है कि दुनिया बड़ी खतरनाक है, खास करके बच्चों के लिए। अगर हम अकेले बाहर जाएंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। बढ़ती ठंड के मारे हम मर सकते हैं, जहरीले पेड़ पौधे खाकर हम बेहोश आ सकते हैं, और बीच रास्ते गुलामों के ताजे ने हमें पकड़ लिया तो हमें बेच भी सकते हैं। माँ, मैं तो बस सच बोल रहा था। ये सब उन बच्चों के साथ होता है माँ, जिन्हें दुनिया के तौर तरीके नहीं पता, पर मुझे सब पता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन गलियों में ही बिताई है। ये सारी मुसीबतों को तो मैं यूं भगा दूंगा, और मैं हूं ना तुम सबके साथ तुम्हारी हिफाजत के लिए। हर गली हर मुसीबत से वाकिफ हूं मैं। पर नफी, अलीफी, मैंने इसे देखा है गलियों में, और मुझे पक्का यकीन है ये हमारी हिफाजत करेगा। नहीं, हम ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते। पर कुछ नहीं पोया, मैंने कह दिया तो कह दिया। बाबा ने तुम सबकी जिम्मेदारी मुझे दी तो तुम लोगों को मेरी सुननी पड़ेगी। अलीफी, कभी किसी ने तुम्हारी बात ना मानी हो, ऐसा हुआ है क्या? तो फिर तुम भी तो सोचो ना, अगर बाबा हमारी जगह पे होते तो वो भी हमें ढूंढने की कोशिश करते ना। हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है उनको ढूंढने की। चल, सब मिलकर ढूंढेंगे उन्हें। मुझे पक्का यकीन है कि बाबा हमें जल्द ही मिल जाएंगे। इस तलाश की शुरुआत हम जुम्मा बाजार से करेंगे। क्या पता हमें वहां कोई ऐसा सबूत हाथ लग जाए जो हमें बाबा तक पहुंचा दे। पर हम गुलरेस का क्या करेंगे? वो इस तलाश में ले जाने के लिए अभी बहुत छोटी है। इसे हम यही दादी के साथ छोड़ देंगे। नहीं माँ, हम गुलरेस को यहाँ नहीं छोड़ सकते, हम गुल्लू को साथ ले जाएंगे। बाकी खतरों से तो हम लड़ लेंगे नफी, पर अगर 40 चोरों ने हम पर हमला कर दिया तो? सामने खा रहे हैं पर हमसे पूछ भी नहीं रहे, कितने जालिम लोग हैं। या तो खाना बंद कर दो या हमसे भी पूछ लो। शक्ल पे ही भूख दिख रही है गरीब शहजादी के। वैसे जब से भाग रही है खाने को तो क्या ही मिला होगा। जो भी हो मुझे क्या, आग लगे बस्ती में बाबा अपनी मस्ती में। अब्बू कहा करते थे भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम होता है, इसके लिए ना सही, अब्बू के लिए ही कुछ करना चाहिए। यकीनन ये उन 40 चोरों में से एक चोर होंगे। पहले दिनारी, अब शीरपीरा, चोरी पे चोरी एक के बाद एक। मोहतरमा, पानी पियेंगी? इतने नखरे, नेक दिली की कोई कदर नहीं है इस बेगैरत लड़की को। वैसे भूख तो लग रही है, ऐसा थोड़ी है कि अगर हमने शीर पीरा लिया तो इस बेशर्म के एहसान के तले दब जाएंगे, हटा देंगे और क्या। वैसे भी ये दिनारी और घोड़ा तो दोनों रख चुके हैं, एक शीर पीरा तो अब हमारा भी लेना बनता है। मोहतरम, पानी मिलेगा?
पहले ले नहीं रही थी, अब ऐसे घूर रही है जैसे इसी की थाली से उठाया हो शिरपिरा मैंने। का शीर पीना? हाँ तुम मुंह खोलो अपना, जल्दी से मुंह खोलो। मन्नत का तारा ये कैसी बातें कर रही हैं आप बड़ी आपा? कोई खाने की भी चीज चुराता है, वो भी एक मासूम बच्चे से। जहन्नुम में थोड़ी जाना है। तो मेरा शीर पीना किधर गया? तेरे पेट में, तूने खा लिया होगा। खाते खाते पता नहीं चलता, अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमने कितने खाए। मोटापे का यही तो राज है, क्यों भाई हो है ना, ऐसा ही तो होता है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं तो मेरा मुंह देख लीजिए, देखिए आ आ किधर है, आ है नहीं ना, अब लगे हाथ आप इनका भी देख लीजिए। हाँ हाँ तुम भी दिखाओ। अम्मा बेगम, मोहतरमा के चेहरे से तो नूर टपक रहा है, अब खामखा इन पे शक कर रही है? मेहमान है हमारे। अरे इसी ने खाया तमाम सिरपिरा, सिरपिरा खा खा के सिरपिरा जैसा हो गया ये। फिर अजीब वाली हरकतें, हद हो गई। नहीं करनी बात तो मत करो, मुझे कौन सा बड़ा शौक है। भाग के कहां जाओगी मरियम, हजार दिनारियों की उम्मीद में पूरा काबुल तुम्हें ढूंढ रहा है। अब काबुल का सुल्तान है सद्दाम, काबुल के हर कोने कूचे में मेरी वाकिफियत है। तुम जहां भी जाओगी तुम्हें घसीट कर निकालेगा ये सद्दाम। एक दिन आएगा जब सिमसिम जी अपने सद्दाम को खुद सजाएंगी नायाब चीजों से, सोने के जेवरों से, और कहेंगी प्यार से, मेरे प्यारे सद्दाम तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा एहतराम ना करने के लिए मैं मुआफी चाहती हूँ सद्दाम। काबुल का सुल्तान कौन सद्दाम। बहुत जल्द सिमसिम जी प्यार से बात करेंगी। प्यार से बात किसे करेगी? काबुल के सुल्तान से और किस। फिर से आने से पहले बता दिया कीजिए। वैसे आप अभी भी आए हैं ना? अकेले में खुद से बहुत बकवास करते हो सद्दाम। याद किया है तुम्हें? आप चलिए मैं आता हूं। सिमसिम जी को नायाब मिल चुका है, अब वो जरूर मुझसे मरियम मांगेंगी। इस बार बचना नामुमकिन है सद्दाम।